लखन भले मोला मार दी मार दी जान के बाजी लगा देने वाला विलक्षण भक्त केवट, नहीं तो जान के ऊपर आदमी बहुत प्रेम रिथेगा। प्राण पुत्र दो बड़े, पहली प्राण लिखा है तेकरे बाद पुत्र लिखा है, तो प्राणे रहित है तो कम पावे पुत्र के प्रति कितना प्रेम है। प्राणे रहित नहीं रहित काहे कम पावे, वो तो शरीर माटी हो गया। प्राण छूट गए तो जान ले सारी दुनिया छूट गई, रिश्ता नाता महल अटारी कोठार बारी सब छूट गए। तो पहली प्राण लिखा है, प्राण तेकर बाद पुत्र दो बड़े चारो जुग परमान हो गए। औ बोलते बोलने वाला मन हमू बोलता ना, अरे जान है तो जहान है भाई, ठीक है ठीक है। जान है तो जहान है, जीता जिंदगी रही हाँ तो फिर भेंट हो जाए, फिर मुलाकात हो जाए, आप सबके दर्शन हो जाए। तो केवट के जगह दूसरा के रीति से ना, तो अतक पहले तो पल्ला तान दे रही थी। कबर लक्ष्मण साधारण न है, लक्ष्मण है काल है, देखा ये हमन काले की थे, सांप लग लग और लक्ष्मण कोई साधारण सांप नो है, वो हजार मुख वाले शेष नाग है। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति कीरति विमल पताका। दंड समान भयउ जस जाका, दंड समान भयउ जस जाका। शेष सहस्र शीश जग कारण, शेष सहस्र शीश जग कारण। सो अवतरे भूमि भय तारण, सो अवतरे भूमि भय तारण। मुरलिया बाजे रे यमुना की, मुरलिया बाजे रे यमुना की, मुरलिया बाजे रे यमुना की, मुरलिया बाजे रे यमुना की। यमुना के तीर हो यमुना के तीर, यमुना के तीर हो यमुना के तीर, यमुना के तीर हो यमुना के तीर, यमुना के तीर हो यमुना के तीर। मुरलिया बाजे रे यमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे प्रेम से बोल गंगा मैया की जय। तोर मोर जात प्रभु एक है निहारे नाथ, बचपन में सुने रहे हैं। तोर मोर जात प्रभु एक है निहारे नाथ, केवट के जात कर्म नीति से विचार ले।
उतरा ही नहीं लौते कर एक कारण हुए कि तय हम जा सगर ना इसी की चीज एकदम नॉर्मल रूप में तहू के मठ में हमू के मठ इसी की चीज के मठ देकर श्री लक्ष्मण आ गया। एक तो हम जात के क्षत्रिय अंधुनियल मालूम है सूर्यवंशी की थे हमला हमर कुल के नाम हमर राजापुर घर रघु के नाम में चलते रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई बरु बचन जाई क्षत्रिय जात रघुकुल जन्म राम अनुज जग जान दुनिया जानते कि मैं राम के छोटे भाई हूं और कृष्ण भाई हूं दुनियल मालूम अभी केवट हमला जात के क्षत्रिय केवट अच कहा था और भैया घलो इसे है कि हूँ चिटपोट नहीं करनी अरे कुछ न कुछ तो बोलना चाहिए राम काबर नहीं बोलते तो केवट के खटौंदा माए हूँ जितना चल ही आज एकरे चल ही हमन नहीं चले एक श्री भगवान राम चुप है तो माने केवट ल साबित करे लगी कि हमन कैसे केवट हो ऐसे लक्ष्मण के भाव है तो भगवान राम कहते भैया केवट लक्ष्मण हल लियावत है बोलो बता कैसे हम लग केवट के अच्छा गोरिया नरिया मल देखता हूँ तो मन हाँ दो हालत में दो स्थिति में लिया थे मन जब अच्छा घाम के सपेटा पड़ते ना हम जेला देखे तेला बताओ था भाई तीरवर मजनी मजने 3 किलोमीटर रेंगा दी है ले सर गांव तक के देखे क्लिक देखे क्लिक रही घाम में ना घाम में ललिया थे अच्छा गुस्सिया थे तब ललिया थे क्या बात है ना और ज्यादा घाम हो गए फिर वो कहां ललिया थे ललिया थे जन करिया जत और करिया के तनो काय करिया है किसी ने जाने कौन तो लखन श्री रामचंद्र जे तो लक्ष्मण गुस्सम ललिया गया तो कर्म नीति से विचार ले हमन एक के सगा यान और सगा कर सगा नहीं ले सगा 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 भाई मिल जाते ना भारी आनंद आ जाते अरे तो कागो तैयार है जी मैं इतने दामो जी ते हैं मैं तुम्हारे कामो जी वो गोत हम गोत ला से बताते तन समझी सजन बन जाते भाई भाई बन जाते हां तो हूं छदी हम हूं छदी यार भाई अंत मैं छदी यहां के नेता मत समझी बन गए वो तुरंत रिश्तेदारी बन जाते ठीक है तोर मोर जात प्रभु एक है निहारे नाथ केवट के जात कर्म नीति से विचार ले मैं हर रामायण में पेटी बजाता हूँ महो पेटी मास्टर ते लीलम पेटी बजाते तहु तो पेटी मास्टर ननाने के नहीं तो डफड़ा मास्टर शुरू की थी नाचम पेटी बजाही चाहे कोनो लीलम पेटी बजाही कोनो पंडवानी में पेटी बजाही तो वो जेने काम तोर तेने काम मोर तो तहु पेटी मास्टर महु पेटी मास्टर ऐसने अर्थ है इसके मठ तोरो काम पार करना मोरो काम पार करना अंतर का है तो तोर घर क्षीर सागर के करार में है मोर घर गंगा करार में मोर घाट माए है तो तोला नहका दू ऐसने कोनो दिन तोर घट हो दम चल दो मोला नहका दे खेल खत्म पैसा है ना पैसा हजम धन जल गटूर है तो ना काबर नाई से नाई लेत धोबी ना धुलाई देत देखे उतरो नि मोर जात जन बिगाड़ वे मोर घाट आए प्रभु तोला मैं उतार दे हूं तोर घाट जाहूं एक दिन मोलत है उतार दे प्रेम से बोल भक्त और भगवान की जय तो जान जैसे प्यारा चीज दांव में लगा देना है केवट के ही हो सकते है ना जान की बाजी लगा दी अच्छा एकरे भरोसे परिवार के पालन पोषण करता हूँ तो लक्ष्मण मोला मार दी मार दी आ तो लोगली का का होई सवाल उठा थे लोगली का होई परिवार के का होईगा तो अगर परिवार शब्द लिखा है यही प्रतिपालो सब परिवार अब वो परिवार 45 आदमी के है कि 25 आदमी है कि 75 आदमी के है तो मैं मर जाऊं तो उकर का होई तो यूं सोच डर है केवट
कबर पानी ढार अपन खड़े डोंगा मंगा पार में मन खड़े तीनों जन तो केवट के गणित लक्ष्मण को हूँ मारी ही न मोला अंत रजाक ले पानी चमत गिर हूँ माने गंगम गिर हूँ गंगा के धार में गिर हूँ और गंगा के धारे धार चल दो दुनिया के तो हर आदमी के हाड़ा भर है आते ओहू रोट रोट हाड़ा है आते और पाकू पाकू अंत छल झेला झेला सबूल थोड़े लगतेगा नहीं नहीं बस 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 हो गो उसका काफी उमाऊ चटनी कर देते कोनो तरिया में ठंडा कर देते कोनो जमनिया में ठंडा कर देते दतकन अकन हाड़ा भला लेखते लेखते ना तो दुनिया वाले के तो हाड़ा भरा गंगा धार में बहुत है मोर है तो हाड़ा मास सब बहा जाए एक फायदा दूसरी बात कोई साधारण आदमी खात में नहीं मरा राम के छोटे भाई सीता के देवर सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के हाथ में मरिया तो साधारण मौत में ठीक है। तीसरी बात लक्ष्मण जब मार ही तो चश्मदीद गवाह के रूप में कर भैया भोजी मन अरे खात खोई हो एक बात तो कानूनी कार्रवाई हुई ना आज भी तो थे ना आज भी होते उसने गाने तो लक्ष्मण जब मार ही तो मोर नजर के सामने राम और सीता रही लक्ष्मण घोलो रही मानी तीनों मूर्ति रही अंतिम समय में अच्छा अच्छा समझदार मन ज्ञानी ध्यानी मन राम के नाम नहीं ले सके मात्र दो अक्षर के नाम ले एक बार नहीं ले सके मैं कितना भाग्यशाली हूँ जिन मरे पारी में तीनों मूर्ति के साक्षात दर्शन करी ये मोर दोनों हाथ में आनंद के लड्डू है हिंदी में बोलते कभी कभी छत्तीसगढ़ी में सुने पर मिलते कि पांचों उंगली घी में और सिर सीधा कड़ाही में है माने हेरे कामे नहीं और कड़ाही में मूड हमारे है तो वो आनंद का पूछने अच्छा पांचों उंगली घी में तब मैं हिसाब लगाता हूँ अब एक कटोरा है ये देख अब पांचों उंगली बूढ़ी कब जब घी हद का धुर रही नहीं तो अंदाज लगा बड़े उंगली कौन हरे दे दे हरे तेकर बाद ये हरे तेकर बाद ये हरे ये दे तेकर बाद छिनी अंगठी हरे अक्रीम दे हरे भले छोटे सब ले लेकिन दमदारी एक रिम ज्यादा नंदर है कवर चारों ही कंट्रोल करके रखते ये देखा चिमोट के एले नारी माने के है एले चारों के पति माने के चार नारी को कंद ऐसे कर दोहा बने ठीक है तो ये भर है बूढ़ी तो ये बांझे ही ये बूढ़ी देह बांझी तो ये चारों बूढ़ी तो देह बांझे हैं अब एक हम बाजार से कोनो देश कर दी लो और खा के तहन है ना हां भाई कोनो ले से कर दिन कड़क देते हो हां जहर भुंजा के राखो देते हां तब ए सबो सबो बूढ़ी त अतका गड्ढा घी रही ना अतका दुरियल घी रही तब पांचो बूढ़ी तो पांचों उंगली घी में और सर सीधा कड़ाही में दोनों हाथ में आनंद के लड्डू की थे है ना अच्छा अब मर गए में तो अब खात खवाई हो हलवा जला सुखम दुखम और पांच जन निकल बिठा दे खवाई है ना हम ज्यादा नहीं दे सकी परिवार है हां अब कार्रवाई हुई पुलिस प्रशासन के द्वारा हर एंगल से जांच हुई केवट को किसने मारा पहली प्रश्न उठी केवट को किसने मारा तो चर्चा खबर फैल जाते जहाँ कहीं भी ऐसा हत्याकांड होते पूरे क्षेत्र में बगड़ जाते तो केवट को किसने मारा तो बताया जाए यही कि केवट हुई दे राम के छोटे भाई मारी साहब तो क्यों मार दिया कि लक्ष्मण ने केवट को फिर ओकर उत्तर दिए जाए ओ हाथ गलत हो एक नाम से बाता चीता हो इनका आओ देखी इसने ताओ लक्ष्मण फट ले मार दीजिए पूरा ला रजाक ले पानी में गिर गए तीन दिन में पानी होला अब धारों को हाई था फिर गंगा के धारे का सिनाद के धार है महानदी धार मंदिर चलते सिनाद के धारों कल ज्यादा चलते खर्रा मारते गंगा के तो खर 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 कावर देव लोग ले आए हो और देव लोग ले आए हमारे को रफ्तार ज्यादा रहे
तो रफ्तार में धारमा की ही ला शरीर है तो किसी एक दिन में मिल जाए। दो चार जन गोता खोर जरूरत पड़ी तो जन फीस लगते रोजी के हिसाब से। अच्छा तो लक्ष्मण ने मात्र पांव धोने के नाम से उसको मार दिया। नहीं केवट टुमट ढोलो के नीचे का साहब एकर सिटी हो गया आ गया। अच्छा तो जो घटना स्थल पे और कौन कौन था फिर पूछे जाए पुलिस प्रशासन के द्वारा। घटना स्थल पे और कौन कौन था? चश्मदीद गवाह तो कर भैया भौजी मदी साहब आगु। अब पूरा हालात मद्देनजर रखते हुए फिर अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाए। अच्छा वो पूछे जाए केवट के परिवार में कौन कौन रही थी? वही भर अकेला कमैया रही साहब, बाकी सब नान नान हमें हमें। तो कुल मिला के केवट के शरीर माने केवट के पूरा परिवार के जिम्मेदारी पालन पोषण के ये सारी जिम्मेदारी का कर ऊपर आई राम ऊपर आई कि हर महीने 50,000 पैसा दे चाहे चावल दाल दे। चावल दाल गलो दे लागी पैसा गलो दे लागी तेल फूल साग भाजी पर माने राम के हाथ में जेकर परिवार की जिम्मेदारी आ गई तो परिवार के लिए भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं। ये बहुत दूर के गोटी लगा के केवट कह दी से लक्ष्मण भले मोला मार दी तो मार दी लेकिन बिना पांव धोए पाले पार नहीं ना। प्रेम से बोल लखन लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। लंबा परिवार पापी पेट के सवाल है, लंबा परिवार पापी पेट के सवाल है। अतके मोर आड़ी पूंजी डोंगले ख्याल है, अतके मोर आड़ी पूंजी डोंगले ख्याल है। पर जाऊं मैं जीव के जंजाल मा रत्ता टूट जाए मो, पर जाऊं मैं जीव के जंजाल मा रत्ता टूट जाए मो। जादू बताते तो तुहला बता देऊ सब बातला मर्जी है तो, तुहला बता देऊ सब बातला मर्जी है तो, एती मर्जी है तो तुम्हारा उड़ जाहे मो, एती मर्जी है तो तुम्हारा उड़ जाहे मो। पहली धोवाले तोर पाला संसो कट जाए मो, पहले धोवाले तोर पाला संसो कट जाए मो। बुझा हट जाए मो, रथा टूट जाए मो, किस्सा पूर जाए मो, राम खा जाए तो। सोनी के वट के बैन राम के चरण कमल के प्रति इतना उनका लगाव है केवट के एकर से जीत है काम है जीत काम पकड़े तो चरण कमल धो लू तेकर बादे पार ना कहू। और परिवार के घलो ल ध्यान है माने काम ढल घलो देखा थे और राम ढल घलो देखा थे ये ओकर अटपटा प्रेम ल देखी भगवान राम। तो फिर ही जगह भगवान ने तेना खलखला के हंस दी भी हैं से एक मुस्कुराना होते ओकल ज्यादा होते न सीन हा। तो मुस्कुराना के बाद हंसना होते, हंसना के बाद भी हंसना होते अंदर है मुस्कुराना
होंठ में खिंचावाना चाहिए, दांत हल्का से झलकना चाहिए, सामने वाले जान दे मुस्कुरावत इसे जाने जाने। और जहाँ तक हंसे मुस्कुराए की बात है तो सियान मन कथे दुख में भी हंसना चाहिए और सुख में भी हंसना चाहिए। काबर दुख में हंसबे ना तो दुख हल्का हो जाता है, ठीक है। हंसते हुए कतको झने से आदमी जन हल्का फुल्का बुखार आ रहे थे तब वो नांगर फांदे रही थे, कई झन गोली 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 खा खा के नांगर फांदे रही थे। चल भैया बैला कम रिंग थे अपने ये पाले ऊपर ज्यादा रिंग थे। उसने देखे में दुरियल देखे ना तो बैला पड़ रहेंगे तो इसी दिखते तीर में जावे ना तब पता चलते अपने रहेंगे बैला नहीं रहेंगे तपले पर गए ऐसा होता है। तो दुख में भी हंसना चाहिए, गमों के दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न सर झुका के जियो और न मुंह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो और न मुंह छुपा के जियो। मोर गुरु दादा घलो कहे कि मंच में ना बड़ारी बेले से मूड उठा के गाना बजाना चाहिए, ठीक ठीक। कबर हजारों की तादाद में बैठे हैं तो हजारों की तादाद में बैठे हैं, माने तोला देखी और सुनी, देख 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 के सुन ही तभी संतुष्टि हो ही है ना। अतः मूल लगड़िया के गावे धुरा पटक के गावे तेलक कलाकार के कमजोर पक्ष माने जाते, ओकर कमजोरी माने जाते, अवगुण माने जाते है ना। दुनिया वाले देखते कौन बिलल देखते, ओ सनफिन सनफिन रेंगत रही थे ना मुंह टांग झूल झूल के तेकर फिर इंट्रोडक्शन शुरू होते का कर भी ले रहे कत कम ला है रे कतेक दिन हो गए कत का भी आना दे रही से कौन कौन गरी से पूरा ए टू जेड। उसने बिलल दुनिया देखते वो तो जेकर भी लेते कर भी ले देखिया खुश हो जाते हैं ये है बिलल। अच्छा कई ठन माल मतल देखबे तो दिन भर नांगर फांद ले बिहन्या कनो कर शक्ल जत के सुंदर रही ना उत के सुंदर ढीलबे तत को भेज दे वही है सुखदाता। हां हां भाई अब कई ठन लतला आठी में से अटे संदेश के इसे कल थावा थी इतनी लिसी अटे के इसे कल थावा थे तो अगर हरियाणीपुर के खेत वाला का वो ईमानदार नो है होशियार नो है और सीधा गरियार कहलाता है ना है ना। अरे आने पौने बेच ला हाँ तो उठ ही तदले घूमे जब अब उठ भी नहीं करते किसे बो के थोड़े ले ऐसा हो जाते। अच्छा कई जन के हाथ में गरियार भी लग हलो होशियार बन जाते और कई जन के हाथ ठंडा रहते तो ओकरे हाथ में होशियार घलो गरियार बन जाते, ठीक है। कोनो घर में बहु आए सो घर के कायाकल्प हो जाते, कोनो बहु आए सो घर के पूरा बेंद्रा विनाश घलो हो जाते, कोनो लिका थे दाई दजल खा बीड़ थे और कोनो कोनो लिका थे तो पूरा माँ बाप के भाग्य लेके आते अगर भाग्य बन के आते ऐसे तो ऐसा है ना है ना। कछु करनी कछु कर्म गति कछु पुरबल के भाग अपन अपन त्वाय कावर मोरो जीव जीवन में गुजरे है ना। ये सुंदर सौभाग्य लेके आए हैं मल्लिका में एक सीधे अंदाज लगा था और बाहर के लिए सुनता हूँ तो ये सब गुणा भाग करे लगता तो कोनो दुर्भाग्य लेके आते तो कोनो सौभाग्य लेके आते पारा मोहन लगे मन घलो करते होकर छोटे आए हैं वो नान जा कोई दिखेलत तेने हैं वो आए तेने दिन ले ओकर घर की स्थिति है समले वो सोना चांदी हीरा मोती पन्ना पुखराज वृद्धि समृद्धि सुख वैभव लेके आए होली का वही ओकर धन है वही ओकर संपत्ति इसी गति है ना। तो आज सुनी के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे पटबे नहीं करत ना तेकर से दी अटपटे बिहसे करुणा एन ये पांचवा दिन है आज अयोध्या निकले है ये पांचवा दिन गंगा करार माह
अब पांच दिन ले भगवान राम ने यहाँ से ऋषि, चार दिन ले नहीं यहाँ से ऋषि, नौ मुस्कुराए ऋषि है। सम्मानित श्रीमान जयंत राम साहू जी पावन धाम सामा से आपके तरफ लिपि रुपया और तोरला से। अच्छा हाँ अब समझ में सीधा। उत्कबेर माता राम के नाम से 10 रुपया है ऋषि, अब यो 10 रुपया है। कावर पूरा नहीं बोल रहे हो, कावर नहीं बोल रहे हैं तो पूरा वो मतलब समझ में नहीं आवत ऋषि, अभी समझ में इसे। ग्राम तोरला से माता श्री सूरज बाई, अभी मैं लिखा है 100 साल हो गए है ना, माने खंडी पूरा हो गया। यही हरे दीर्घ आयु। कभी कभी छोटे मन घोलो आशीर्वाद देते भगवान तो चुरकी तो पत ले रखा है ना, तो माता जी के तरफ ले 10 रुपया औवा है। 100 साल पूरा हो गए है ना, मैं उनका चरण कमल में सादर प्रणाम करत हूँ जिन कम से कम हमार बरत का कन बचा कर आखिर से। एक तो दुनिया में 5 पैसा देखे नहीं मिलते गलत बोले का कौन देखो 5 पैसा अभी नहीं मिलत गा 5 पैसा देखे है ना, गठला पार के आखिरी से बबरी है। मोर बुढ़ी दाई जियत रहे ना तो 1 रुपया 2 रुपये से 98 खुचरा धरे रहे तो ऐसन चाप चाप के गठला पारे रहे तो वो जी छूट जाती फिर गठला नहीं छूटती तो मोटर छूट जाती फिर गठला नहीं छूट जाती तो आगु दिन वाला छोरा आई रहते आगु दिन कह रही थी ना तो वो छोरा छोरा बिहनिया कहूँ छूटती जो ऐसा गठला पारे रहे। महतारी मन के मैया बहुत होते ऊपर जेकर अंत के पता नहीं है तेला आसमा कथे, नीचे जेकर अंत के पता नहीं है ओला धरती मां कथे है ना। जत का जन बैठे है सब जन ला मां शब्द से ही संबोधित करे जाते नहीं कि कहे जाते कौन कौन बैठे तिवर दाई माई बहनी माई और बेटी माई इथे ना बेटी घलो माई कहा था बहनी घलो माई छे दाई घलो माई छे वो भीतरी में थे ना भगवान बैठे भूत माई है ना है ना। जैसे 10 छंचिया चरावा थे तो वो कौन है माई आए थे ना और छेरी है भूत माई जब कुकुरी माई हो सकते शेरी माई हो सकते दाईमान माई नहीं हो सके। माई के बहुत सुंदर अर्थ होते माँ, ठीक है प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। तो माँ शब्द दुनिया में छोटे है, सबले छोटे अक्षर छोटे शब्द माँ है, लेकिन अगर सबले ज्यादा बड़े महिमा है तो माँ के ही महिमा सबले बड़े है। लखन श्री रामचंद्र की जय। तो भगवान राम खलखला के हाथ दिस के वाट की गोठल सुनिस तो पांचवा दिन में राम हंसे अगर हंसना बंद हो गई तो केवर साधारण केवट का जिन भगवान ला हंसवा दे उग्र स्थिति आखिरी में हूं मन की थन विसर्जन करे एक बेरा 3-3 घंटा तू मन ला हंसाएं अब हम ला हंसवा पारी तुम्हारे चढ़ाए पारी तुम्हारे ऐसे की थन में से मैं ज्यादा नहीं उझेल हूं है ना भाई भारी रूम थे हो ऐसे की दी थन ओकर कथा भागवत में ठिकाना नहीं रहा है चढ़ोतरी में कर चेतरी थी निकी दी कहे बनी लागे जब हृदय में श्रद्धा जागते ना तो फिर बिना कहे ते जिंदगी में नहीं सोच रहे अतका सब कोनो समर्पण कर देते। सुनाना मोर काम, सुनना मूल्यांकन करना आपके काम, ठीक है। तो कोनो हंसाना बहुत बड़े बात है, नंदर रुलाना तो सहज बात है, नाक ला सुख सुख बजा देना ठोका नमाज ले ठोका नऊ उसे माने कप कपी ला दे नने हो कफलर फिट कर दे तलावाज कापेल धर ले
और उठिया दे ओ सुनिए कंत्रात्मा कांप दे भाई भाई चुप तो रुलाना सहज बात है सीना हसाना बहुत मुश्किल है। प्रमाण बताओ लीला मंडली में 45 आदमी हैं लीला मंडली में 3 जन तो व्यास मरी थे बाकी 42 आदमी पर्दा खींचे मेकअप लगी है साज सजावट करिए इसे सब करके 42 आदमी नीचे मेकअप रूम में तो 42 आदमी सबको जन जोकर नहीं थे का जोकर एक जन रही थे माने 41 आदमी हर मेन पात्र के काम करते और जोकर एक जन रही थे 40-41 कलाकार एक तरफ तो जोकर एक तरफ वो जोकर के ऊपर रंगे रूप लेते कि पूरा पब्लिक हंस रही थी जोकर बोले चली रहा है पूरा पब्लिक हंस रही थी वो कौन अपन सेफ लॉस ने बनाए रही थी है ना हमरो काम लीला हुआ थी से जाना था ना हम कि वास्तव में जोकर हैते ना लीला मंडली की जान होते बोला सही बोलना नहीं रहे वो सही बिगाड़ के बोलना होकर पाठ है उग्री स्थिति तो जोकर की थी तू जोकर हाँ हमको शिकार है तू जोकर तब बोला जोकर लेकर मन जोकर की थी बोला ठंड है लखन श्री राम चंद्र की जय दुकलहा राम साहू जी सम्मानी श्रीमान दुकलहा राम साहू जी जनपद सदस्य जी की तरफ ले पर